क्यों प्रचलन में आया पत्नी का पतिव्रता होना, जानिए ये कहानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियों में। दोस्तों आज इस हम वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्यों आखिर प्रचलन में आया पत्नी का पतिव्रता होना। चलिए जानते हैं। महाभारत के आदि पर्व में एक कथा आती है। कथा के अनुसार एक दिन राजा पांडव आखेट के लिए निकले। जंगल में दूर से देखने पर उनको एक हिरण दिखाई देता है। वे उसे एक तीर से मार देते हैं। वह हिरण एक ऋषि निकलते हैं जो अपनी पत्नी के साथ मैथुन रथ में थे। वे ऋषि मरते वक्त पांडु को शाप देते हैं कि तुम भी मेरी तरह मरोगे जब तुम मैथुन रथ कर रहे होगे। इस शाप के भय से पांडु अपना राज अपने भाई धृतराष्ट्र को सौंपकर अपनी पत्नियों यानी कि कुंती और माद्री के साथ जंगल में चले जाते हैं। जंगल में वे सन्यासी का जीवन जीने लगते हैं, लेकिन पांडु इस बात से दुखी रहते हैं कि उनकी कोई संतान नहीं है और वे कुंती को समझाने का प्रयत्न करते हैं कि उसे किसी ऋषि के साथ समागम करके संतान उत्पन्न करनी चाहिए। कुंती पर पुरुष के साथ नहीं सोना चाहती तो पांडु उसे यह कथा सुनाते हैं। प्राचीन काल में स्त्रियां स्वतंत्र थी और वे जिसके साथ चाहें उसके साथ समागम कर सकती थी, जैसे पशु और पक्षियां करते हैं। केवल ऋतुकाल में पत्नी केवल पति के साथ समागम कर सकती है, अन्यथा वह स्वतंत्र है। यही धर्म था जो नारियों का पक्ष करता था और सभी यह इसका पालन भी करते थे, लेकिन यह नियम बदल गया है। उदालंग नाम के एक प्रसिद्ध मुनि थे जिनका श्वेत केतु नाम का एक पुत्र था। एक बार जब श्वेत केतु अपने माता पिता के साथ बैठे थे, तभी एक परिव्राजक आया और श्वेत ऋतु की माँ का हाथ पकड़ कर बोला, आओ चले। अपनी माँ को इस तरह जाते हुए देखकर श्वेत केतु बहुत क्रोधित हुआ, किंतु पिता ने उनको समझाया कि नियम के अनुसार स्त्रियां गायों की तरह स्वतंत्र हैं, जिस किसी के साथ भी वे समागमन करने के लिए जा सकती हैं। बाद में इन्हीं श्वेत केतु द्वारा फिर यह नियम बनाया गया कि स्त्रियों को पति के प्रति वफादार होना चाहिए और पर पुरुष के साथ समागम करने का पाप भ्रूण हत्या की तरह होता है। तभी से सभ्य समाज पर जोर दिया जाने लगा और समाज में परिवारवाद को बढ़ावा मिला। सभ्य परिवार से सभ्य समाज का जन्म हुआ और इस तरह एक सभ्य राष्ट्र जन्मा। हमारे वैदिक ऋषियों ने समाज को सभ्य बनाया। आखिर कौन थे श्वेत केतु, चलिए जानते हैं। गौतम ऋषि के वंशज और उदालक आरुणि के पुत्र श्वेत केतु की कथा मूलंत उपनिषदों से आती है। वे एक तत्वज्ञानी आचार्य थे। पांचाल देश के निवासी श्वेत केतु की उपस्थिति राजा जनक की सभा में भी मिलती है, मतलब यह कि वे रामायण काल में भी हुए थे। अद्वैत वेदांत के महावाक्य तत्वमसी का वचन उनके पिता के मुख से ही हुआ था। ऋषि अष्टावक्र के भाजने श्वेत केतु का विवाह देवल ऋषि की कन्या सुवचरला के साथ हुआ था। श्वेत केतु ने ही समाज में यह नियम बनाया था कि पति को छोड़कर दूसरे पुरुष के साथ और उसके पास जाने वाली स्त्री तथा अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरी स्त्री से संबंध कर लेने वाला पुरुष दोनों ही भ्रूण हत्या के अपराधी माने जाएंगे। उन्होंने ही पुरुषों के लिए एक पत्नी व्रत और महिलाओं के लिए प्रति व्रत का नियम बनाकर इसे समाज में स्थापित कर परम स्त्री गमन पर रोक लगाई थी। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको यह जानकारी जरूर पसंद आई होगी। अगर आप ऐसे ही धार्मिक पौराणिक और रोचक कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मैं आपको मिलती हूँ जल्द ही इसी चैनल पर नई रोचक जानकारी और कहानियों के साथ।
आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियां।